लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने यूपी में बड़ा बदलाव किया। चुनाव से ठीक पहले अजय राय को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अजय राय ने बृजलाल खाबरी की जगह ली है, जिन्हें यूपी विधानसभा चुनाव के बाद और निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई थी। खाबरी प्रियंका गांधी के खेमे के माने जाते हैं और ऐसे में खाबरी की जगह अजय राय की नियुक्ति का संदेश यही समझ आता है कि यूपी कांग्रेस में प्रियंका गांधी का दबदबा कुछ कमजोर होगा। वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अजय राय का प्रवेश प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी के प्रभाव को कम करने और बड़े बदलाव की भूमिका हो सकती है। साल 2022 के विधानसभा की बात करें तो यूपी चुनाव में प्रियंका कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनी। प्रियंका गांधी ने जोर शोर से प्रदेश में कांग्रेस के लिए अभियान चलाया था, तो पार्टी का महासचिव होने के अलावा उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी बनाई गई। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद वो कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दिला पाई, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत से वो लगातार नदारद दिखी। इतना ही नहीं, चुनावों में खराब प्रदर्शन पर गाज भी गिरी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर, जिन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद दलित नेता बृजलाल खाबरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। खाबरी प्रियंका के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में अनुपस्थिति के बाद भी पार्टी मुख्यालयों में प्रियंका गांधी का दबदबा बरकरार रहा। लेकिन अब सिर्फ 10 महीने में ही खाबरी को हटाकर अजय राय को प्रदेश की कमान सौंपने के पीछे कांग्रेस में बदलावों के एक लंबे सिलसिले की आहट सुनाई देती है। माना जा रहा है कि ये टीम प्रियंका की यूपी से विदाई की भूमिका है। हालांकि मामले में कांग्रेस नेता का कहना है, अजय राय के नाम पर मुहर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सहमति से लगाई। ऐसे में आज जब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगे तो साफ हो जाएगा कि उन्हें अध्यक्ष बनाने में कांग्रेस का कौन सा खेमा प्रभावशाली रहा। जाहिर है कि राय को पार्टी के भीतर जिसका समर्थन मिला होगा तो वो मंच पर उनके साथ दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।